यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज अ ब्लॉग या एनी वेबसाइट, सबसे पहले उस वेबसाइट के ऊपर चेक करें कि उसमें कोई सर्च की ऑप्शन है. जैसे यहाँ पे आ रहा है सर्च दिस ब्लॉग और मुझे सिर्फ बेकन के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे बेकन के सर्च में डाल दूंगी. अब इस ब्लॉग के ऊपर जितने भी बेकन के क्वेश्चन है ना बेटा, ये सारे के सारे ये देखें, ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी इवन दिए हुए हैं और ये मैंने आप लोगों को भी शेयर किए थे कि ये बेकन के बारे में सारा, ठीक है. शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएंगे, पूरी लिस्ट बेकन की आ गई, ये देखें, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट रोज क्वेश्चन, जहां जहां बेकन का नाम आएगा वहां वहां पे ये बेकन जो है ना यहाँ पे आ गया, ठीक है. दूसरी जो ऑप्शन है, ये काफी लंबी लिस्ट है, मैं ज्यादा स्क्रॉल नहीं करूंगी. दूसरा, मेरे ब्लॉग के ऊपर ना दो चीजें हैं, यहाँ पे देखें, एक साइड में ना यहाँ पे दिए हुए लेबल्स, ठीक है, और एक साइड में दिया हुआ है पेजेस. अच्छा, पेजेस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पेजेस हैं इसके, लाइक पास्ट पेपर्स है, ये है वो है, ये देखें. अगर मैं इसके एम ए इंग्लिश लिटरेचर पार्ट वन नोट्स पे जाती हूँ तो आपको डिफरेंट लिंक्स मिल जाएंगे, और ये लिंक्स जो हैं, जब आप इसके ऊपर, जैसे ये पोइट्री का है, ये आपको इस तरह के बेटा लिंक्स मिलेंगे. ये बड़ी मेहनत से बेटा बना हुआ था, जिसको बड़े तरीके से किसी ने हैक किया था, शुक्र है मटीरियल बच गया इसका. तो ये के, ये देखें, बेकन एसेज है. प्रोज में मैंने ये पास्ट पेपर्स अपलोड किए हुए हैं, ये बेकन एसेज के ऊपर, आप जिसके ऊपर बेकन एज एन एसेज, बेकन एसे शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारा रिफ्लेक्शन ऑफ रेनेसेंस स्पिरिट. ये अब इसका फायदा ये होता है, बाज़ार क्या होता है कि मेरा मटेरियल उड़ जाता है, मेरा कंप्यूटर जो है, तो मैं हर चीज ना अपने ब्लॉग के ऊपर डाल देती हूँ, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को इतने अरसे से पढ़ाती आ रही हूँ. तो एक्चुअली इसमें स्टूडेंट का भी फायदा हो रहा होता है, मेरा भी फायदा होता है. दूसरी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखे हुए लेबल्स, इस साइड से देखें तो ये देखें, ये सारे लेबल्स हैं. आप जो लेबल खोलेंगे वो आपके सामने खुल जाएगा. अब यहाँ पे देखें, एक लेबल मैंने बेकन का बनाया हुआ है, एक यहाँ पे कहीं प्रोज का भी लेबल होगा, यानी कि प्रोज के जितने भी क्वेश्चन है मैंने उनको लेबल दिया हुआ है कि वो जी प्रोज में ही आएंगे, तो मैं उसको लेबल कर देती हूँ ताकि एक लिस्ट में आ जाएंगे. देखिए ये प्रोज है ना, आप यहाँ पे चले जाएंगे. इसी तरह ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, सिलेबस है, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस खुल जाएंगे. तो बाकी मैं बहुत सारे ब्लॉग्स देखे, उनमें पता नहीं उन्होंने क्यों इस तरह से नहीं किया, या उनको ब्लॉग्स डिजाइन नहीं करने आते. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है तो ये देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनसे पूछते हैं, मैम हाउ टू डू रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट. मैं उनको कहती हूँ बेटा मेरे ब्लॉग पे चले लो, क्योंकि हर वक्त मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता. ये देखें, आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट खोलेंगे, ये सारे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट खोलेंगे, ठीक है. ये देखें, ये सब कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, आपको बहुत डिटेल रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में देंगे. सो बेटा, एट ईच एंड एवरी मोमेंट आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में हर चीज है, ये सारा कुछ बेटा आप लोगों के लिए डिजाइन किया हुआ है. आपको शायद लग रहा होगा, मैम पता नहीं कितनी अर्निंग करती हैं ये ब्लॉग डिजाइन वगैरह करने. बेटा ब्लॉग से तब अर्निंग होती है जब हर वक्त आप शेयरिंग करते रहे. इतना मेरे पास टाइम कोई नहीं है, ये मैंने सोलली स्टूडेंट्स के को डेडिकेट किया था अपना सारा मटीरियल, और उस वक्त किया था जब मेरा अपना एमए इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट नहीं था. तो तब मैंने, जब मैं पैरालाइज हुई थी, तो मैंने अपने आप को डेडिकेट किया था इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए, कि शायद मैं कभी एमए इंग्लिश लिटरेचर नहीं कर सकती, बट आई वॉन्ट टू बी अ सपोर्ट ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. और हर वो बंदा जो नॉलेज की जो एक बात है उसमें आगे जाना चाहता है, तो उसको मैं सपोर्ट करना चाहती थी. तो इस वजह से ये सारा कुछ मैंने घर में बैठ के वो टाइम स्पेंड करने के लिए, के अब सही बात है पैरालाइज तो हो गई थी एट दैट टाइम, तो तब ये बेटा सब कुछ डिजाइन हुआ था. और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इतने स्टूडेंट्स के ड्रॉ से, फिर मैंने 2016 में फिर मैं अपेयर हुई थी और फिर मैंने एग्जाम्स दिए थे. इस वजह से वो आपको मेरे उसके ऊपर लिखा हुआ आता होगा जो मेरा लोगो बना हुआ है, सिंस 2015, लेकिन मैंने एग्जाम्स 2016 में दिए थे और 2016 में मैं रिकवर हो गई थी, तो फिर मैं जाके एग्जाम्स दे के आई थी. तो ये हुआ था सारा कुछ. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, ये जब आपके पास जो नहीं है ना, आप लोगों को देना शुरू कर, आपको वैसे ही मिल जाना. तो दैट इज़ द थिंग, ये उस वक्त से डिज़ाइन होना शुरू हुआ और अब जो है फाइनली हैक हो गया, ठीक है. इसकी डोमेन एक्चुअली हैक हो गई है, पहले इसकी डोमेन थी लिटरेचर शेप डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट, ठीक है, और वर्ल्ड रैंकिंग में आ गई थी असल में डोमेन, इस वजह से किसी ने हैक किया है. लेकिन बहरहाल
और ये जो है अभी फिलहाल मैंने इसकी डोमेन चेंज कर दिया, इसको मैंने आसमा शेख ट्यूटर कर दिया, इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी होगी, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से आपने इसको एफोरिस्टिक स्टाइल जो है वो, यानी कि पास्ट पेपर जब भी आप कुछ भी सर्च करेंगे, एट फर्स्ट गो टू न्यू इंग्लिश, सर नईम की वेबसाइट है न्यू इंग्लिश, ये मोस्ट मतलब वेबसाइट्स हैं बेटा जो हमारे दौर की वेबसाइट्स हैं। आजकल बहुत वेबसाइट्स आ गई हैं, आजकल जो मोस्टली इन है वो askliterature.com है, लेकिन उसके ऊपर पास्ट पेपर्स शायद सॉल्व नहीं है, लेकिन उसने अच्छा लिखा हुआ है, जिसने भी लिखा है askliterature इज अ गुड वन, उस पर देखा करें। और बहुत ज़्यादा मटीरियल फिर आपने स्क्रोल आउट नहीं करना, सिर्फ जब आप असाइनमेंट करेंगे तो फिर आपको वो वैसे ही बताने के लिए मैंने आपको ये बताया। अब यहाँ पे देखिए एफोरिज्म के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फ्रांसिस बेकन एफोरिज्म फ्रॉम नोवन ऑर्गेनम, ठीक है, समरी ऑफ द सेकंड पार्ट डाइजेस्टेड इन एफोरिज्म, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ उसके एफोरिज्म के डिफरेंट जो आउटलाइन है, ये भी मैं आपको बेटा लिंक्स जो है वो मैं आपको शेयर कर दूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या आया हुआ है।